आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य में लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और इस पर कोई अहम निर्णय भी लिया जा सकता है। राज्य के किसानों को राहत देने की भी तैयारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को पैरोल पर जमानत मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। मंत्री बादल पत्रलेख ने भी लालू को जमानत पर पुरजोर उनकी वकालत की है। मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के किसानों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने सरकार से इसके लिए एक बड़े पैकेज की मांग की है। राज्य के राजस्व में लॉकडाउन के कारण राजस्व में गिरावट आई है। राजस्व से निपटने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। विधायक मंत्रियों की वेतन में कटौती पर भी कैबिनेट में कोई फैसला हो सकता है। तो लगातार कोरोना पर पूरे झारखंड जो है कोरोना की वजह से अलर्ट है। ऐसे में सरकार आज हो सकता है कि जब बैठक होगी तो एक बड़ा फैसला ले सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, तमाम बातों के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अंजनी, जिस तरह से लगातार कोरोना के पेशेंट की संख्या झारखंड में बढ़ रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार भी गंभीर है। आज बैठक भी होने वाली है, इस बैठक में क्या लग रहा है, क्या अहम कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे वो लालू यादव को पैरोल पर जमानत मिलने की हो या फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर हो, क्या कुछ जानकारी? देखिए अमिता, आज की जो बैठक है, कैबिनेट की बैठक, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, कल जो है 14 तारीख को जो है लॉकडाउन की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है, तो ये जो पहला फैसला होगा संभवतः लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर के होगा। और इसमें हेमंत सरकार जो है काफ़ी गंभीर है, क्योंकि मामला भी काफ़ी तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में कैसे चीज़ों को और बेहतर किया जाए, कैसे दुरुस्त किया जाए, मनरेगा को लेकर और सरकार क्या कर सकती है। जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हो रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो उन्होंने ये बात भी रखी थी कि मनरेगा में जो पेमेंट 200 रुपया जो दिया जा रहा है उसको बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी, तो संभवतः इस पे फैसला हो सकता है। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे और कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि लॉकडाउन है और काफ़ी संख्या में जो हमारे झारखंड के जो मजदूर हैं, जो कई लगभग 8 लाख लोग बाहर फंसे हैं, तो उनको कैसे रोजगार से जोड़ करके राज्य की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर। अंजनी, इससे पहले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी कई अहम बातें कही है। उन्होंने राजस्व की कमी को लगातार लॉकडाउन की वजह से राजस्व को घाटा हो रहा है उसको भी लेकर उन्होंने किसानों के लिए एक स्पेशल पैकेज की भी मांग की है। हाँ देखिए, किसानों के लिए कैसे बेहतर हो, और अभी जो है जो कटाई का समय है, फसल पूरी तरह से तैयार है और बाजारों में जो है जो सब्जियां जिस गति से आनी चाहिए तमाम चीजें बंद हैं, तो इसको लेकर किसानों को कैसे हम सरकार जो है आर्थिक मदद करे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये हमारे जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव ने ये बात कही थी कि जो हमारे जो विधायक हैं उनका उनका उनके वेतन का 30% जो है वो अभी जो राष्ट्रीय आपदा आई है तो उसमें कटौती की बात है, तो ये भी कैबिनेट में लाने की चर्चा हो सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि देखिए झारखंड की जो अभी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और देखिए हम एक बात और ये याद दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे थे, तो GST का जो पैसा है वो झारखंड को अभी तक नहीं मिला है। तो झारखंड हम ये कह सकते हैं, देखिए आदिवासी बहुल राज्य है और जिस तरह से लगातार जो है संक्रमण बढ़ रहा है, तो ये हेमंत सरकार ये चाहती कि सरकार की तरफ से पैसे मिले, कैसे पैसा आए और उस पैसे का व्यय जो है कैसे हम लोगों को भोजन खिलाए, ये एक पहली प्राथमिकता है। तो क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग बाहर से हैं और लॉकडाउन है, जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले जो लोग हैं
वो अपने घरों में। अंजनी, ये तो कैबिनेट की जब बैठक होगी हेमंत सोरेन की, तब उसमें क्या कुछ अहम बातें निकल कर सामने आती है या फिर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, उसके लिए इंतजार करना होगा बैठक जब तक नहीं होती है। लेकिन अंजनी, एक बार चाहेंगे कि आप दर्शकों को जहां पर हैं राजधानी रांची में, जहां पर भी, उस इलाके की पूरी एक बार तस्वीर दिखाएं कि अभी वहां पर क्या हालात है। देखिए, मैं इस वक्त बहु बाजार के इलाके में हूँ और यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो भीड़ है संत पॉल स्कूल में। आज अनाज का वितरण होना था लेकिन काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और जो सामाजिक दूरी की जो बात हम करते हैं वो यहाँ नज़र नहीं आता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे से सट के खड़े हैं तो संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लोगों में समझदारी की कमी जरूर दिखाई देती है। लोग काफ़ी क्लोज हैं और लगातार जो पुलिस है यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है लेकिन लोग यहाँ मान नहीं रहे हैं। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि इस इलाके में जो है सामाजिक दूरी का जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। तो ये लोगों को समझना होगा और ऐसे में जो संक्रमण का जो क्षेत्र रांची बना है, हिंदपीढ़ी में देखिए 8 मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें लगभग एक मरीज की जो है कल मौत हो जाती है, एक मरीज की मौत जो है बोकारो में होती है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। तो वैसे में आप चारों तरफ जहाँ भी नज़रें दौड़ाएंगे अमिता, तो लोग यहाँ सुबह से यहाँ पे खड़े हैं कि यहाँ जो है ये राशन का वितरण होगा। इसके पहले यहाँ संत पॉल स्कूल परिसर में राशन का जो वितरण हुआ था, पूरे जब अंदर में लोग जाते हैं तो वहाँ काफी नियम से लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है आसानी से अंजनी, क्योंकि बार बार 14 अप्रैल को ये अवधि खत्म हो जाएगी लॉकडाउन की, आगे इंतजार करना होगा। लेकिन लोगों में सजगता वाकई में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंस की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती नजर आ रही है। अंजनी, नजर बनाए रखें, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से लॉकडाउन में तमाम सेवाएं दी जा रही है लेकिन उस दौरान भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, लगातार समझाने के बावजूद अगर लोग इससे बेखबर हैं तो ये आने वाले दिन में बहुत बुरा साबित हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए।